बड़े खुश हैं हम, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी कुछ लाएंगे इधर, हमारा कुछ करेंगे। अगर कश्मीर की बात करें, पूरे ज़िलों की बात करें, हर ज़िले में इस वक्त पब्लिक जो है तैयार बैठा है कि मोदी जी को वेलकम करने के लिए। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब यहाँ कश्मीर में आ रहा है। बड़े बड़े खुश हैं हम, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी कुछ लाएंगे इधर, हमारा कुछ करेंगे। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे कुछ मुश्किल हैं, यहाँ डेली वेज हैं और मुलाजमों के मसाइल हैं, वो हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये खुशी के साथ जाएंगे और खुशी के साथ आएंगे। इससे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ही प्रधानमंत्री का मोदी साहब का जो दौरा कश्मीर का हो रहा है, तो उसमें आप लोग हमें बुलाते हैं, तो हम पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब जो 7 तारीख को कश्मीर के दौरे पर आ रहा है, तो अगर कश्मीर की बात करें, पूरे ज़िलों की बात करें, हर ज़िले में इस वक्त पब्लिक जो है तैयार बैठा है कि मोदी जी को वेलकम करने के लिए, और हज़ारों के लाखों के तादाद में लोग कल 7 मार्च को मोदी जी को देखने के लिए श्रीनगर पहुंच जाएंगे, वादी श्रीनगर में, और मोदी साहब का शुक्रिया पूरे कश्मीर के लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और खुशकिस्मत लोग हैं कश्मीर के, जिनके पास आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी तशरीफ़ आवर हो रहे हैं कल 7 मार्च को कश्मीर के अंदर। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब यहाँ कश्मीर में आ रहा है। तो उम्मीद के साथ हम कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, उन्होंने जो नारा दिया है मोदी जी है तो मुमकिन है, लेकिन वो करके दिखाया है। ऑफिशियली तो अगर देखा जाए कि हमारे लोग, हमारे दूर दराज इलाके लोग, जो गरीब पसमांदा लोग थे, वो बहुत सफ़र कर रहे थे। ऑफिशियली लिहाजे से आज वो सफ़र नहीं रहा। हर चीज़, चाहे किसी को एलपीजी की प्रॉब्लम थी पहले, आज वो नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम पे है, हर घर में एलपीजी मिला है, फ्री राशन मिला है, और ओल्ड एज पेंशनर्स लोगों का मसला था वो भी हल हुआ है। ओल्ड एज पेंशनर्स जितने भी हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, हैंडीक्रैफ्ट लोग थे, आज उनको ओल्ड एज पेंशन भी मिल रहा है। हमारे किसान भाई जो कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मुंसलिक है, और उनके खातों में हर साल 6,000 रुपया पीएम किसान जो उनको मिल रहा है हर साल, और यहाँ पे 2023 में जो बेरोज बेघर लोग थे उनको रूरल डेवलपमेंट के
स्कीम के तहत PMAY के केसेस दिए गए हैं, उन्होंने घर बनाए हैं, आज वो उन घरों में बस रहे हैं। तो इसीलिए पूरे जो हमारे कश्मीर का पूरा कौम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वादी के इस खूबसूरत वादी के इस गुलदस्ते में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये आज मार्च है, मार्च का महीना है, बाहर आने वाला है, उम्मीद के साथ मोदी जी का दौरा जो भी जो हो रहा है ये बाहर ही बाहर होगा कश्मीर के लिए। खासकर जो यहाँ पे उम्मीद के साथ हम ये कहते हैं कि मोदी जी जो कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, कश्मीर के लिए कुछ ऐसा चीज़ लाएगा जिससे हमारे सब कश्मीरियों के दिल खुश हो जाएंगे और कश्मीर के हर गली से, हर ज़िले से, हर तहसील से लोग कल मोदी जी को देखने के लिए तरस रहे हैं कि हम मोदी जी को कब देखेंगे और मोदी जी का दर्शन वो कश्मीर के लोग बिल्कुल कल 7 मार्च को करेंगे।